चुनौती मिलने वाली है कि अब आपको जीवन में क्या करना चाहिए। और इसके लिए तैयार होने के लिए दो चीजें जो मैंने अपने हिसाब से ढूंढ रखी है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फर्स्ट वन इज, एक दिन मैंने शायद इस पर थोड़ी चर्चा की थी, अभय क्लास में था, कुछ बात हो रही थी, उसमें दो चीजें निकल कर आती हैं। एक होती है हार्ड वर्किंग और दूसरी होती है प्रॉपर गाइड। गाइडेंस इज द मोर इम्पॉर्टेंट देन हार्ड लेबर, नो डाउट। ये बात मैं अपने तरफ से भी कह रहा हूँ। और एक दिन सीडीओ साहब की एक पर्सनल मीटिंग में था, मैंने सीडीओ साहब बड़े ही एक सामान्य परिवार से आए हुए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी थी, उन्होंने भी अपनी कुछ ऐसी बातें बताई वहाँ, अपना पर्सनल जो है उन्होंने शेयर किया था। तो उससे जो बात निकल कर आती है वो यही आती है कि जीवन में हार्ड वर्किंग, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क। पहली पॉइंट तो ये याद रखिए कि जीवन में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यू हैव टू डू हार्ड वर्क एनीवेयर, हर जगह, चाहे वो आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो जीवन में कोई कार्य हो, उसमें आपको हार्ड वर्क करना ही करना है। आप उसे भाग नहीं सकते, भागते हैं तो आप अच्छा नहीं कर सकते, ये आपको तय कर लेना चाहिए। दूसरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर गाइडेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि 95% हार्ड वर्क करता है आपके जीवन में, तो 5% प्रॉपर गाइडेंस वर्क करता है, लेकिन 5% प्रॉपर गाइडेंस इज बेटर देन 95% हार्ड वर्क। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परिश्रम तो सब करते हैं, लेकिन सही दिशा में एक परिश्रम न हुआ तो रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेगा। इसलिए परिश्रम करने से पहले आपको तय करना पड़ेगा कि जो परिश्रम हो रहा है वो सही दिशा में है अथवा नहीं है। बड़ी चुनौती है कि अब ये सही दिशा का गाइडलाइंस कहाँ से लें हम। तो ये गाइडेंस आपको कक्षाओं में मिलता है, ये गाइडेंस आपको अपने अभिभावक से मिलता है, ये गाइडेंस आपके अपने सीनियर्स से मिलता है, आपसे जो आगे हैं उनसे भी आप गाइड ले सकते हैं, और इससे आप अपना हार्ड लेबर तय कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में इन दो चीजों को जरूर उतारिएगा कि हार्ड वर्क तो नेसेसरी है, वो तो करना ही करना है, लेकिन उसको भी ध्यान दीजिए कि वो प्रॉपर गाइडेंस में है अथवा नहीं। ये सब तय करते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि आप अपने जीवन में कभी पीछे नहीं रहेंगे, हर जगह आगे बढ़ेंगे। नंबर, मार्क्स ले आना या बहुत ज्यादा मेरिटोरियस होना, दैट इज अदर मैटर, लेकिन जीवन में कुछ अच्छा कर जाना ये निश्चित रूप से आपके जो है कठिन परिश्रम पर ही निर्भर करता है। बस बहुत कुछ न कहते हुए अंतिम में आप सभी को अपने हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहेंगे बेहतर रहेंगे। अंत में विश यू ऑल द बेस्ट, और दूसरी तरफ ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मे गॉड गिव यू एवरीथिंग विच यू डिजायर इन योर लाइफ, मे गॉड गिव यू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। थैंक यू लॉर्ड।